हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन में। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी टर्म टॉपिक को। सो आप सभी लोगों में से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पर कवर करूँगी जो सोनेट है या एलिजी और ड्रामा है, ठीक है। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपके मैक्सिमम, मतलब ये मान के चलो कि डेफिनेटली यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो इस सेशन को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, 3 से 4 नंबर कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके यहाँ पर इसको शॉर्ट पॉइंट के माध्यम से जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं डिस्कस करूँगी, सो दैट आपका एक रिविजन हो जाए। आपको क्या करना है, केवल इनको ध्यान से सुनना है। हो सके तो जो आप नोटबुक अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें आप अपने नोट्स लिख रहे हैं, उसमें आप इन पॉइंट्स को बस लिख लीजिए, ठीक है। सो चलिए फिर फाइनली आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सोनेट के बारे में, ठीक है। सोनेट में जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो मैं डिस्कस करूंगी। तो सोनेट जो है, सबसे पहले इटिमोलॉजी पूछी जाती है। तो सोनेट जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, और सोनेटो का मतलब होता है लिरिक पोएम, ठीक है। सोनेटो का क्या मतलब होता है, लिरिक पोएम होता है। और लिरिक का मतलब क्या है, इसको हम लिटिल सॉन्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, अ लिटिल सॉन्ग। तो सोनेट जो है वो सोनेटो वर्ड से आया है, जो कि इटालियन वर्ड है, और इस सोनेटो का मतलब होता है अ लिटिल सॉन्ग, या फिर लिरिक पोयम, या फिर इसको हम लिटिल सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद सोनेट जो है वो 14 लाइन की पोयम होती है। आप सभी को पता है कि सोनेट में कितनी लाइनें होती है, 14 लाइनें होती हैं। सोनेट का बेसिकली जो थीम पूछा जाता है वो लव होता है, यानी कि ज़्यादातर जो सोनेट्स लिखे गए थे वो लव आधारित जो कविता होती हैं उस पर लिखा गया था। उसके बाद जो सोनेट है वो लिखा किस में जाता है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोनेट्स को आयंबिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आयंबिक पेंटामीटर जिसमें 5 फीट लाइन होती है, ठीक है, जिसमें टोटल 10 सिलेबल्स होते हैं। टोटल सिलेबल्स अगर मैं पूछूं तो 10 सिलेबल्स हैं जिसमें से 5 फीट होती है, और अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं आयंबिक पेंटामीटर में। और इसी प्रकार से जो जितने भी सोनेट्स हैं उनको आयंबिक में लिखा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, जितनी भी चीजें डिस्कस कर रही हूं। उसके बाद जो सोनेट है उसका जो एक राइम होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट राइम होता है, बहुत फॉर्मल होती है, यानी कि जो भी राइम स्कीम सोनेट में आप देखते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। मतलब फिक्स राइम होती है, स्ट्रिक्ट होती है, फॉर्मल राइम सोनेट की होती है। उसके बाद सोनेट लिखने वाले को क्या कहते हैं, सोनेटीर कहते हैं। अब इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है। ऐसे ड्रामा का पूछा गया था कि ड्रामा लिखने वाला कौन होता है, इसी प्रकार से आपका पूछा जाएगा कि सोनेट कौन लिखता है, तो उसमें क्या करेंगे कि स्पेलिंग आपका आगे पीछे दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि जो सोनेट लिखता है उसको सोनेटीर कहा जाता है। स्पेलिंग होगा SONNETER, ठीक है, सोनेटीर कहा जाता है जो सोनेट लिखते हैं। ये इतना आपको याद रखना है, बेसिक पॉइंट्स है, यहीं से आपका 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे सोनेट्स के टाइप पे, और टाइप से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। तो टाइप में आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहला जो है, जो सबसे पुराना सोनेट का टाइप है वो है इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, या इसे हम क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। तो इटालियन, पेट्रार्कन, क्लासिकल, ये तीनों क्या हैं, सेम है, ठीक है, पहली बात ये। अब इसमें पूछा क्या जाता है, ये पूछा जाता है कि कौन सा सोनेट है जिसको 2 स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है, यानी कि हमसे अगर पूछा जाए कि 2 स्टेंजा कहाँ होते हैं, तो 2 स्टेंजा में जिसको डिवाइड किया गया है वो है क्लासिकल सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट। अब वो 2 स्टेंजा कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है ऑक्टेव और दूसरा क्या हो सकता है, सेस्टेट। तो यहाँ पर ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये आपको याद रखना है, ऑक्टेव जिसकी लाइनें 8 होती हैं पोयम में, और सेस्टेट जिसकी 6 लाइनें होती है। तो पेट्रार्कन सोनेट को 2 स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है, ऑक्टेव में और सेस्टेट में। ऑक्टेव 8 लाइनें, और इसकी अगर मैं राइम स्कीम बनाऊँ तो क्या बनेगी, इसका राइम स्कीम बनेगा A B B A A B B A, ये बन गया ऑक्टेव, 8 लाइनें हो गई, 2-2, ये 4 और ये 4, ठीक है, बन गया टोटल 8 लाइन। और यहाँ पर सेस्टेट क्या होता है, CDC CDC, या फिर कभी कभी आता है CDE CDE, ठीक है।
तो कई बार यहाँ लास्ट में सी होता है, कई बार यहाँ पे ई होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने डिवाइड किया है ऑक्टेव और सेस्टेट को, ये हमारे क्लासिकल सोनेट के अंदर आता है। ऑक्टेव की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्टेव किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन या किसी ना किसी कंफ्लिक्ट को बताता है, ठीक है। तो जब भी हम सोनेट देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम, अगर सोनेट कविता में प्रॉब्लम बताई जा रही है, शुरुआत की जो 8 लाइनें हैं उसमें कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्लिक्ट है, तो वो होता है ऑक्टेव, ठीक है। तो 8 लाइनों में हो गया प्रॉब्लम, और उसके बाद उस कविता के अंदर, उस सोनेट के अंदर जब हम 9वीं लाइन से सॉल्यूशन देते हैं तो वहां पे सेस्टेट आ जाता है। तो सेस्टेट क्या करता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और ऑक्टेव जो होता है वो प्रॉब्लम को बताता है या इंट्रोड्यूस करता है किसी प्रॉब्लम को। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि वोल्टा क्या होता है, ठीक है। अब ये जो वोल्टा है ये रिलेटेड है ऑक्टेव और सेस्टेट से, मतलब ऑक्टेव के जब 8 लाइनें यहाँ पे खत्म होती हैं और उसके बाद 9वीं लाइन से जो सीडीसी स्टार्ट होता है ना, यानी जो 9वीं लाइन शुरू हो रही है, वहां पर एक क्या आता है, चेंज आता है, एक टर्न आता है थॉट में, यानी प्रॉब्लम से हम कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, यानी कि देर इज अ चेंज इन थॉट, थॉट में कुछ चेंज आया, बदलाव आया, तो इस चेंज को हम कहते हैं वोल्टा, टर्न जो आया उसको हम कहते हैं वोल्टा। तो ये जो वोल्टा है ये 9वीं लाइन से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ये कोई सॉल्यूशन की तरफ जाता है, ठीक है। तो ऑक्टेव सेस्टेट का आपको याद रखना है कि ऑक्टेव क्या बताता है, सेस्टेट क्या बताता है, और दोनों ही पेट्रार्कन इटालियन सोनेट के पार्ट हैं, ठीक है। पूरी राइम स्कीम आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इतना आपको समझना था, अब बढ़ते हैं हम इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट की तरफ। अब शेक्सपियरियन सोनेट से क्वेश्चन, पहली बात तो ये आता है कि इंग्लिश सोनेट को और किस नाम से जानते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट को हम और किस नाम से जानते हैं, तो वही सेम आपका आंसर बनेगा। अब इसकी राइम स्कीम क्या होती है कि इसको डिवाइड किया गया है 3 quatrain में, ठीक है, 3 quatrain, या फिर इसको हम कहते हैं स्टेंजा, ठीक है, या तो स्टेंजा आ जाएगा या तो क्वाट्रेन आ जाएगा, दोनों सेम बात है। तो 3 quatrain में हम इसको डिवाइड करते हैं, और हमारा एक क्या पाया जाता है, कपलेट पाया जाता है, ठीक है, कपलेट, और 3 quatrain एंड 1 couplet पाया जाता है। तो अगर मैं इसका जो इंग्लिश सोनेट है इसका अगर मैं राइम स्कीम लिखूं तो क्या बनेगा, ए बी बी, ए बी ए बी, फिर सी डी सी डी, EF, EF, और फिर लास्ट में GG। तो ये जो GG आप देख रहे हैं ये बन गया हमारा कपलेट, और जो ये आप देख रहे हो ना AB, AB 4 lines, CD, CD हो गई 4 lines, और EF, EF हो गया 4 lines। हर क्वाट्रेन में 4 lines होती है, समझ में आ रहा है, हर क्वाट्रेन में 4 lines होती हैं। इस तरह से आप देख लो, ए बी ए बी 4 हो गया, फिर सी डी सी डी 4 lines, और ई एफ ई एफ 4 lines, और कपलेट में कितनी लाइन हो गई, 2 lines हो गई। तो आपको याद रखना है कि कपलेट में 2 lines होती हैं और क्वाट्रेन में 4, एक क्वाट्रेन में 4 lines होती है। तो इस प्रकार से जो आपका इंग्लिश सोनेट बनता है वो क्या बनेगा, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, और जी जी। तो ये पूरा सोनेट का स्कीम, राइम स्कीम आपको याद रखनी है पूरी, और इसमें आपको क्वाट्रेन की संख्या याद रखनी है, 3 quatrain होता है और हर क्वाट्रेन में 4 lines होती है और कपलेट में 2 lines होती हैं, ठीक है। तो ये था आपका शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इतना ही अभी तक पूछा गया है कि इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, इंग्लिश सोनेट को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा स्पेंसेरियन सोनेट। अब देखो, स्पेंसेरियन सोनेट जो है वो स्पेंसर ने दिया, और स्पेंसेरियन सोनेट और जो इंग्लिश सोनेट है ना, दोनों की राइम स्कीम, जो दोनों का जो क्वाट्रेन है और जो कपलेट है वो सेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे भी हमारे 3 quatrain और 1 couplet पाया जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, राइम का फर्क है। इसकी राइम इंग्लिश सोनेट की राइम से अलग होती है। तो अगर मैं स्पेंसेरियन की राइम स्कीम लिखूँ तो क्या बनेगा, ए बी ए बी, ये बिल्कुल सेम होगा इंग्लिश के जैसा, इसका भी ए बी था, ठीक है, तो ये सेम है। उसके बाद यहाँ से ना इंटरलॉकिंग राइम स्कीम शुरू होती है, मतलब बी से खत्म हुआ तो बी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ए बी, उसके बाद बी है ना, तो बी को आगे ले जाओ, बी सी हो गया, ठीक है, बी के बाद सी आता है तो सी आ गया, सी को आगे ले जाओ, सी डी सी डी, ठीक है, उसके बाद D के बाद क्या आता है, E आता है। तो यहाँ पर ये बन गया आपका कपलेट ई, और बाकी जो है ये आपके 3 क्या बन गए, क्वाट्रेन बन गए। तो ये जो राइम स्कीम मैंने लिखी है ये है स्पेंसेरियन सोनेट की राइम स्कीम, ठीक है।
तो ये तीनों की राइम स्कीम जो है ये आपको याद रखनी है, चाहे इटालियन का पूछ ले, चाहे इंग्लिश का पूछ ले, चाहे स्पेंसेरियन का पूछ ले। अब आता है कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट आपका एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पहले पूछा गया कि कर्टल सोनेट की लाइंस कितनी होती है, तो यहाँ पे याद रखना कि 10.5 लाइन होती है, या फिर इसको हम 11 लाइन पोएम कहते हैं, और जो लास्ट वाली यहाँ पर लाइन होती है ना जो बच जाती है उसको हम टेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हम टेल कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्कीम आप देख सकते हो, ABC ABC, फिर DCB DC, या फिर ABC ABC DBC DC। तो ये DBC और DCB जो है थोड़ा सा फर्क है, इसको थोड़ा सा आप एक दो बार देखोगे तो आपको इसकी राइम स्कीम भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये कर्टल सोनेट है, पूरी लाइनों को आप काउंट करेंगे तो 11 लाइन आएगा, जिसे हम कभी कभी 10.5 भी कह देते हैं। तो ये क्या थे? सोनेट्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक सोनेट हुआ, सोनेट का टोटल सारी चीज जो भी था वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं एलिजी की तरफ। ठीक है, एलिजी क्या होता है तो आइए देखते हैं, बात करते हैं एलिजी के बारे में सारी चीजें। तो एलिजी का सबसे पहले तो एटोमोलॉजी पूछा जाता है, तो ग्रीक वर्ड के एलेगोस से आया है, या फिर कभी कभी एलेजिया आ जाता है। ठीक है, तो दोनों सेम बात है। एलिजी जो एलेगोस वर्ड है उसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफ मॉनरिंग, या फिर इसको हम लेमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LAMENT, लेमेंट। लेमेंट मतलब कोई शोक, कोई विलाप, कोई शोक है, शोक मना रहा है किसी की मृत्यु पे, तो उस तरह की जो कविता है जो लिखी जाती है उसको हम कहते हैं एलिजी। तो एलिजी बेसिकली इज अ सॉन्ग ऑफ मॉनरिंग, यानी कि आप शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेमेंट दिखा रहे हैं। तो लेमेंट फॉर द डेड, ये सिंपल आपका ना डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि लेमेंट फॉर द डेड इज रिलेटेड टू, तो आंसर क्या बनेगा? एलिजी। लेमेंट करना यानी किसी की मृत्यु पे शोक को व्यक्त करना, या इसका जो थीम होता है वो मेलनकॉलिक होता है, उदासी भरा, डिप्रेसिंग है, या सौरव को दिखाया जाने वाला, दुख दर्द को दिखाने वाला, सैडनेस हो गया, ग्लूमी म्यूजिंग्स को दिखाया जाता है, यानी सैडनेस को दिखाया जाता है, सेंस ऑफ लॉस को ये बताता है, फ्यूनरल वगैरह को बताता है, जहां पे किसी की मृत्यु हो गई तो उस पर लिखी जाने वाली, गाई जाने वाली कविता जो है वो एलिजी होती है। उसके बाद इसके तीन स्टेजेस होते हैं। जब भी कोई पर्सन, कोई पोइट है, वो किसी की मृत्यु पे शोक व्यक्त कर रहा है, लेमेंट कर रहा है, तो वो तीन स्टेजेस से होकर के गुजरता है। कोई भी एलिजी कविता है वो तीन स्टेजेस में होती है। पहली ग्रीफ में, यानी पहली ग्रीफ होता है, ग्रीफ मतलब एक दर्द है, दुख है, शोक है, विलाप है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिसकी मृत्यु हो गई है उसके प्रति हम एक ग्रीफ को व्यक्त करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उस व्यक्ति को प्रेस करते हैं कि वो व्यक्ति कितना अच्छा था, वो व्यक्ति कैसा था, उसकी क्या क्वालिटी थी, हम उसके बारे में उसको प्रेस करते हैं दूसरे पे। तीसरे स्टेज पे क्या आता है कि लास्ट में हम अपने आप को एक सांत्वना देते हैं, सोलेस इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सोलेस वर्ड याद रखना, SOLACE, या फिर कंसोलेशन वर्ड है। कंसोलेशन मतलब अपने आप को सांत्वना देना कि अच्छा ठीक है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो तो होना ही था, हर व्यक्ति को जाना है, वो अपने आप को एक सांत्वना दे देता है कि अच्छा ठीक है, जो हुआ उसको हमें स्वीकार करना है। तो ये तीन स्टेजेस में क्या होती है? एलिजी होती है। उसके बाद एलिजी के कुछ टाइप्स होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो फटाफट से टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्टिव एलिजी, जिसको हम पर्सनल भी कहते हैं। सब्जेक्टिव आएगा या पर्सनल आएगा, दोनों सेम बात है। ऑब्जेक्टिव एलिजी एक होती है जिसको हम कहते हैं इम्पर्सनल एलिजी। सब्जेक्टिव का मतलब है कि जहां पे जो पर्सनल हो, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो उस पॉइंट का रिलेटिव हो सकता है, उसका नियर डियर कोई फ्रेंड है, मतलब उसके रिलेटिव में या उसके फ्रेंड्स में, उसकी कोई रिलेशन में किसी की मृत्यु हो गई उस पॉइंट के, तो वो पर्सनल के अंदर आता है। ठीक है, किसी फ्रेंड की मृत्यु हो गई वो पर्सनल है। इम्पर्सनल क्या होता है? जहाँ पे उसका पर्सनल ना हो करके वो समाज में जो भी चीज़ें हैं या ह्यूमन डेस्टिनी है उसकी बात करता है, यानी समाज में जो व्यापक, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है इसमें जो भी बुराइयाँ हैं उसके प्रति वो एक विलाप दिखा रहा है। ठीक है, तो इम्पर्सनल जो पर्सनल से हटकर हो वो इम्पर्सनल एलिजी होती है। उसके बाद तीसरी एलिजी एक इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं पैस्ट्रल एलिजी। अब पैस्ट्रल एलिजी जो है, यहां से आपका क्वेश्चन बना है, तो देखो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैस्ट्रल एलिजी के अंदर जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होती है। सबसे पहले शेपर्ड होते हैं इसमें। कौन होते हैं? शेपर्ड होते हैं। अब देखो यहां पर पैस्ट्रल एलिजी में ना, पहली बात तो एलिजी है ये, तो कोई ना कोई मृत्यु हो रही है किसी की। ठीक है, तो यहां पर जिसकी मृत्यु हो गई वो भी शेपर्ड है। शेपर्ड मतलब चरवाहा, जो गांव वगैरह में जो जानवरों को चरते हैं,
जिसको पैस्टोर कहा जाता है, तो पैस्टोर से पैस्ट्रॉ ले लीजिए आया है, ठीक है। चरना मतलब जानवरों को चरने वाले जो लोग होते हैं गांव एरिया में, चरवाहे कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि शेपर्ड होते हैं, जिसकी मृत्यु हो गई वो भी शेपर्ड है, और जो उसकी मृत्यु पे शोक जाहिर कर रहा है, जो नरेटर है, जो पोइट है, वो भी यहाँ पे शेपर्ड ही होता है। तो दोनों लोग यहाँ शेपर्ड है, जो जिसकी मृत्यु हुई वो भी शेपर्ड है, और उसका फ्रेंड जो उसकी मृत्यु पे शोक जाहिर कर रहा है वो भी फ्रेंड ही होता है, मतलब वो भी शेपर्ड होता है। तो दोनों लोग शेपर्ड है इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कि ये रूरल एरिया या रस्टिक एरिया को दिखाता है, यानी जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र आप देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्र को ये ज्यादातर पैस्टोर ले लीजिए दिखाता है। जो रूरल एरिया है या जो रस्टिक एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, उनको दिखाता है पैस्टोर ले लीजिए। और यहाँ पे तीसरी चीज आती है कि जो पैस्टोर ले लीजिए की शुरुआत है वो इनवोकिंग द म्यूज से स्टार्ट होती है। इनवोकिंग द म्यूज का मतलब है कि जो दुख है, जो दर्द है, जो ग्रीफ है, उससे शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो ये देखो, आपको सिंपली इस वर्ड को याद रखना है कि इनवोकिंग द म्यूज इज रिलेटेड टू पैस्ट्रो ले लीजिए, रस्टिक एरिया रूरल एरिया इज रिलेटेड टू पैस्ट्रो ले लीजिए, या शेपर्ड पूछेगा तो पैस्ट्रोल में आएगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप है एलिजी के इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप गाइज ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं ड्रामा की तरफ। तो ड्रामा में फटाफट से डिस्कस करती हूँ जो जो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले ड्रामा आया है ग्रीक वर्ड से ड्रैन से, ठीक है। ड्रामा कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड ड्रैन से आया है। इस ड्रैन का मतलब होता है टू डू और टू एक्ट, टू डू और टू एक्ट, जिसको हम एक्शन भी कभी कभी कहते हैं। तो यहाँ पे टू एक्ट का मतलब वही है जो कि एक्शन से आपका रिलेटेड हो। तो ड्रामा को लिखा जाता है टू परफॉर्म इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस, यानी कि ड्रामा क्या है? एक आपका ऐसा लिटरेचर का पार्ट है जिसको लिखा जाता है, ड्रामा को रिटन किया जाता है, लिखा जाता है, जिसको हम इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, जिसको परफॉर्म किया जा सके। तो याद रखना ऑलवेज के ड्रामा को ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए उसको लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू एक्ट एंड सीन्स, मतलब जो भी ड्रामा होता है उसको हमने लार्जर सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसको एक्ट कहा जाता है। और अगर एक्ट के अंदर मैं स्मॉलर सेक्शंस की बात करूं तो उसको हम सीन्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक्ट और सीन्स की बात करूं तो ड्रामा को एक्ट और सीन दोनों में डिवाइड किया गया है। एक्ट जो है वो ड्रामा का लार्जर पार्ट है, ड्रामा का लार्जर पार्ट पूछेगा, ड्रामा का जो बड़ा भाग है, मुख्य भाग है, उसको एक्ट कहा जाता है। और उस एक्ट के अंदर ना छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉलर सेक्शंस, या जिसे हम स्मॉलर सेक्शन डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम सीन्स कहते हैं, ठीक है। तो ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड सीन्स। उसके बाद ये जो एक्ट है ये कहाँ आता है? तो इसको, एक्ट को समझने के लिए हमें ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिसे हम प्लॉट स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, ठीक है। प्लॉट का स्ट्रक्चर या किसी ड्रामा का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें, ये पांच एक्ट में इस स्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया है। पहला एक्ट हो गया एक्सपोजिशन, जहां पे किसी भी ड्रामा की शुरुआत या इंट्रोडक्टरी फेज को दिखाया जा रहा है। दूसरा होता है राइजिंग एक्शन, ये आपका एक्ट नंबर टू हो गया। यहां पर राइजिंग एक्शन में कोई चीज आगे बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेक्स क्या है, जहां पर जो भी प्रॉब्लम है, जो कंफ्लिक्ट है ड्रामा में, जो भी दिखाया जा रहा है वो एक एक्सट्रीम पॉइंट पे, हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका है। तो वो आपका क्या होता है, क्लाइमैक्स होता है। तो क्लाइमैक्स तक आपका क्या आ गया, तीसरा एक्ट आ गया। यहाँ पे चौथा एक्ट आ गया फॉलिंग एक्शन, और पांचवा एक्ट क्या होता है, रेजोल्यूशन, जिसमें कभी कभी डेनुमा भी आ जाता है, या ये क्या है, सॉल्यूशन को बताता है, यानी जो ड्रामा है वो समाप्ति पर है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5 पांच यहाँ पे क्या है, सेक्शंस है, ये लार्जर सेक्शन है, इनको एक्ट कहा जाता है। और इनके अंदर क्या होते हैं, सीन्स में इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये आपको नाम याद रखना, यहाँ पे नाम जो है वो आपको याद रखना है। उसके बाद ये हो गया ड्रामेटिक हमारा स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद कुछ चीजें और पूछी जाती है, जिसमें से सबसे पहले आता है सलिलोक्वी और दूसरा आता है मोनोलॉग। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें याद रखना कि सलिलोक्वी क्या है, जहां पे एक सिंगल पर्सन है, मोनोलॉग में भी एक सिंगल पर्सन है, दोनों में एक सिंगल पर्सन अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करता है। अगर मैं सलिलोक्वी की बात करूं तो यहाँ पे पर्सन अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को, जो उसकी सबसे इनर मोस्ट फीलिंग है, उसको वो अलाउड क्या करता है, जोर जोर से एक्सप्रेस करता है। तो वो आपका क्या है, सलिलोक्वी है। सलिलोक्वी का मतलब ये होता है कि अकेला पर्सन है, सेल्फ अलोन पर्सन है, जो स्टेज पे अपनी फीलिंग को, अपनी इनर मोस्ट जो उसकी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो आपका
सिलीलिक्वी हो गया, ठीक है। यहाँ पे अदर अदर जो कैरेक्टर है वो सिलीलिक्वी में शामिल नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। बट मोनोलॉग में ऐसा नहीं होता है, दोनों में एक ही डिफरेंस है, इसमें भी वो अपनी फीलिंग को व्यक्त कर रहा है, इसमें भी वो फीलिंग को व्यक्त कर रहा है। लेकिन मोनोलॉग में क्या होता है, कहीं ना कहीं अदर कैरेक्टर्स ना उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अदर कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं मोनोलॉग में शामिल होते हैं, ठीक है। सिलीलिक्वी में कोई नहीं है, लेकिन मोनोलॉग में क्या है कि अदर कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। दोनों में सिंगल पर्सन ही स्पीच दे रहा होता है, लेकिन मोनोलॉग में अदर कैरेक्टर उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे दोनों में ही ऑडियंस कहीं ना कहीं दोनों में सुन सकती है, मोनोलॉग और सिलीलिक्वी दोनों में ऑडियंस क्या कर सकती है, सुन सकती है, ठीक है। ऑडियंस को पता रहता है दोनों में कि इसके मन में क्या चल रहा है, इस कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है। फर्क सिर्फ यही है कि यहाँ पे अदर कैरेक्टर्स है और यहाँ पे अदर कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे मेडिवल ड्रामा के बारे में, जहां से आपके क्वेश्चन आए हुए थे। तो मेडिवल ड्रामा जो है सबसे पहले की रिलेटेड होता है धार्मिक, यानी जो धर्म या रिलीजियस चीजें हैं उनसे रिलेटेड। जैसे कि मेडिवल ड्रामा के टाइम पे जो चर्च वगैरह होते थे, जो चर्च में जो लोग होते थे जो धार्मिक चीजों से रिलेटेड होते थे, उनकी उनके बारे में बात की जाती थी, जैसे बाइबल है, चर्च है, ठीक है। तो धार्मिक चीजों का जिक्र किया गया मेडिवल ड्रामा के अंदर, ये आपको याद रखना है। रिलीजियस चीजों से रिलेटेड था मेडिवल ड्रामा, और मेडिवल ड्रामा में ना तीन प्रकार के प्ले, मेडिवल ड्रामा को तीन प्ले में डिवाइड किया गया, जो आपको नाम एज इट इज याद रखना है। सबसे पहले मोरालिटी प्ले, जो कि किसी मॉरल वैल्यू को बताने के लिए करा जाता था, मतलब मोरालिटी में आप नैतिक मूल्यों का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, तो मोरालिटी प्ले हो गया। दूसरा था मिरेकल प्ले, जहाँ पे जो सेंट्स होते थे या जो जीसस वगैरह होते थे ना, जो भगवान है, उनके बारे में बताया जाता था। और मिस्ट्री प्ले में हम जो भी धार्मिक चीजें हैं या जो जो अदर चीजें हैं उनको दिखाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे तीन प्रकार है, मोरालिटी, मिरेकल एंड मिस्ट्री प्ले, तीनों ही जो किससे रिलेटेड है, मेडिवल ड्रामा से रिलेटेड है, ये ज्यादातर धार्मिक चीजों को बताता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉमेडी। तो कॉमेडी का सिंपल सा ड्रामा का टाइप है कॉमेडी, जहां पे एम्यूजमेंट को दिखाया जाता है, ठीक है। तो एम्यूजमेंट को कहां दिखाया जाता है, मनोरंजन को कहां दिखाया जाता है, कॉमेडी में दिखाया जाता है। इसका जो अंत होता है वो एक हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। तो एम्यूजमेंट मतलब कि मनोरंजन को बताता है कॉमेडी। ट्रेजेडी जो है वो कैटेस्ट्रॉफी को बताता है, कैटेस्ट्रॉफी मतलब कोई भयानक चीज है, जो भयावह चीज है उसको ट्रेजेडी बताता है, मतलब यहाँ पे जो एंडिंग हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ट्रेजेडी हो गया यहाँ पर, जैसे किसी डेथ को दिखाना है ना, मर्डर दिखा दिया भाई, कोई गलत चीज दिखा दी, तो वो आपका ट्रेजेडी का पार्ट है, मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं है, तो ट्रेजेडी हो गया। और एक होता है ट्रेजिक कॉमेडी, जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ट्रेजिक कॉमेडी में, मतलब ट्रेजेडी के साथ साथ कॉमेडी भी जहाँ पे शामिल होती है उसको ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं, ठीक है। एक होता है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है, जहां मेलो का मतलब क्या है, जहां पे सॉन्ग गा जाए। तो मेलोड्रामा जहां पे बहुत ज्यादा हीरोइक इफेक्ट दिखाया जा रहा है, जहां पे आपका मेलोड्रामा के साथ साथ सॉन्ग वगैरह भी है, ठीक है। बहुत ज्यादा जैसे बॉलीवुड टिपिकल मूवीज होती है ना, बहुत एडवेंचरस दिखाया गया, हीरो को बहुत बड़ा दिखाया गया, हीरोइन को बहुत दिखाया गया, बहुत जिसमें बहुत ट्विस्ट आ रहे हैं, टर्न आ रहे हैं, तो वो मेलोड्रामा से रिलेटेड कहीं ना कहीं होता है। सो गाइज, ये थे कुछ ड्रामा के टाइप जिनको बहुत शॉर्ट में मैंने डिवाइड करने की और डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको आज के सेशन में ये तीनों चीज़ों में क्लैरिटी हो गई होगी, एंड सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइज सेशन को इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एंड लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। जो भी आपको डाउट है वो बता सकते हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग।